जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। दोस्तों, सही वक्त आने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो सही जानकारी मिल सकती है। ये बात होगी जो ग्रहण अभी आ रहा है, उस ग्रहण के बाद का जीवन की ये बात हो रही है, कुछ नए आयामों की। और जो बहुत दुखी रहते हैं, जिनको नौकरी, रोजगार, पैसा, कई सारी तकलीफें, संतान सुख से लेकर जो भी परेशानी है, उन सभी के लिए एक सकारात्मक चर्चा जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सही वक्त आपका आने वाला है। उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा सही जानकारी मिलती रहे। एक खुशखबरी और है कि यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो सीधे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वहाँ से आप व्हाट्सएप से मेरा अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। 24 घंटे कभी भी आप व्हाट्सअप कर दें, आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और आप मुझसे बात कर पाएंगे। सही वक्त आने की जो बात मैं कह रहा हूँ कि अभी सूर्य ग्रहण होने वाला है कुछ दिनों बाद, और इस ग्रहण के बाद जो है आपके जीवन में, खासकर वो लोग जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं या परेशानी में हैं, उन लोगों के लिए जीवन में एक नई उम्मीद और एक सकारात्मकता आने वाली है। इसके बाद जो है प्रामाणिकता, क्योंकि इस बार दो ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, दोनों 15 दिन में बैक टू बैक आ रहे हैं। इससे पहले भी इस साल 6 ग्रहण हैं। वैसे ये ग्रहण के बाद इसके अच्छे परिणाम आपको 15 दिन बाद दिखाई देने लग जाएगा। ये पल थोड़े से तकलीफदेह हो सकते हैं जो अभी चल रहे हैं, लेकिन इसके 15 दिन बाद आपके लिए बहुत सकारात्मक चीज़ें आ रही। नौकरी, रोजगार, संतान सुख, कोई भी परेशानी जो है, उसके हल की अगर आप थोड़े से प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएंगे। तो ये जो ग्रहण आने के बाद जो है, सही वक्त आपके लिए आने वाला है। बहुत से सकारात्मक चीज़ें, कुछ नया आप खोलना चाहते हैं, कुछ नया भी करना चाहते हैं, सभी के लिए आप एक प्रयास करें, आप जरूर सफल होंगे। और आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चीज़ें सभी सही हो जाएगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जो भी राय हो अपनी वो कमेंट्स में आप खुल के लिख सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।